बैंक कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन का रास्ता अपनाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर जहां शुक्रवार को देश भर में बैंक कर्मचारियों व अधिकारी हड़ताल पर रहे, वहीं शिमला में भी बैंक कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान बैंक कर्मियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के संयुक्त तत्वावधान में बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर दो दिवसीय हड़ताल करते हुए शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जाता तो वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। इस अवसर पर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के प्रदेश संयोजक गोपाल शर्मा ने कहा कि UFBU द्वारा 1 नवंबर 2017 को वेतन वृद्धि के लिए चार्टर ऑफ डिमांड की प्रतिलिपि इंडियन बैंक एसोसिएशन को सौंपी थी। बैठकें भी हुई लेकिन आज तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। उन्होंने मांगें गिनवाते हुए कहा कि बैंक कर्मचारी 20% वेतन वृद्धि, सप्ताह में 5 दिन कार्य, फैमिली पेंशन में सुधार और अधिकारियों का कार्य का समय निर्धारित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है जो तर्क संगत नहीं है। यही कारण है कि उन्हें सांकेतिक हड़ताल करनी पड़ी। जो स्ट्राइक कॉल है ये 2 दिन की हमने कॉल किया, आज और कल 2 दिन की कॉल लिया, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है जो 1/11/2017 से अभी लंबित पड़ा है, उस पे केंद्रीय सरकार व जो हमारी इंडियन बैंक एसोसिएशन है उस पे गौर नहीं दे रही है, और लगभग 832 दिन आज हमारे हो गए हैं उस डिमांड को रखते हुए। और जो मेन हमारे जो मुद्दा है हमारा, एक तो वेज रिवीजन का है जो हमने 20% डिमांड किया है, उसके अलावा पेंशन अपडेशन का है, पेंशन फैमिली पेंशन रिवीजन का है, और जो हमें रिटायरमेंट पे जो हमें ड्यूज़ मिलते हैं उस पे टैक्स फ्री होने चाहिए, वो हमारी डिमांड है, और 5 डेज वीक होना चाहिए। मेन मुद्दे हमारे ये हैं, इसके अलावा इंटरनल कुछ और मुद्दे हैं वो हम ऑलरेडी आपको विज्ञापन देंगे, उसमें दिए हैं सर। ये जो हड़ताल जिस तरह से 2 दिन की हड़ताल है, तो इससे लोग भी काफ़ी परेशान होंगे, तो यानी इसका कितना असर पड़ेगा और क्या हड़ताल जो है आगे भी फिर जारी रहेगी अगर डिमांड नहीं मानी जाती? देखिए, हमने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसका मकसद हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही था कि हम हमारे जो शिमला के हमारी जो पब्लिक है, जो हमारे ग्राहक हैं, उनको किसी भी तरह का कोई असुविधा ना हो, और उसमें हमने अपने बैंक्स को और अपने ब्रांचेस को सबको इस तरह से निर्देश दिलवाए थे मैनेजमेंट की ओर से कि ताकि हमारे जो ATMs हैं वो पूरे के पूरे भरे हों, और आज कल 2 दिन वो ATM जो हमारे ग्राहक हैं वो ATM से पैसे निकाल पाएँ, और ऑनलाइन सर्विसेज हमारी खुली हैं वो 2 दिन बंद नहीं होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।